दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। उन्होंने एक महीने के अंदर दोनों चोटियों को फतह किया है। और जो दुनिया चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भिवानी के अंदर, जिला जेल के अंदर, जो कि हमारे यहाँ पे जो अब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही है राकेश खाद्यान जी, उनके सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस कर्मचारी और यहाँ पे बहुत सारी संख्या में जो अधिकारीगण हैं, उनका सम्मान समारोह का आयोजन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो हम देख सकते हैं एक बार जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही है राकेश खाद्यान जी, उनके सम्मान समारोह का यहाँ पे भव्य तरीके से आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल जिला जेल के अंदर, जो कि भिवानी जेल है, वहाँ पे जिला कारागार भिवानी में यहाँ पे भव्य तरीके से यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी भिवानी जेल के कर्मचारीगण हैं, उनकी तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भिवानी जेल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, उन्होंने एक महीने के अंदर दोनों चोटियों को फतह किया है। और जो दुनिया की सबसे चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोत्से, उसको भी मतलब एक महीने के अंदर मतलब फतह किया है। तो ये बड़ी विश्वसनीय उपलब्धि है राकेश खाद्यान सर की, जो कि एक जेल विभाग में कर्मचारी रहते हुए इतनी अथक मेहनत से जिन्होंने अपनी उपलब्धि हासिल की है। पूरा जेल प्रशासन भिवानी जेल उनके सम्मान समारोह के यहाँ पे जो अपने जो मुख्य अतिथि हैं अपने श्री राकेश खाद्यान जी, उनका भव्य तरीके से समारोह का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि भाई इन्होंने उपलब्धि इतनी अच्छी तरीके से हासिल की है कि तो उनसे उनके निजी जीवन से बातचीत करेंगे। और जो जेल प्रशासन है भिवानी जेल का प्रशासन, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने मतलब अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल की है कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो तमाम अधिकारीगण उनके सम्मान समारोह में यहाँ पे तो बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। तो जितने भी अधिकारीगण हैं उनके सम्मान समारोह में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये मान के चलो बहुत ही बड़ी खुशी का अनुभव यहाँ पे हो रहा है कि तमाम जो अधिकारीगण हैं भाई साहब को सम्मान देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे कि आज ये सम्मान समारोह में यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है भिवानी जेल की तरफ से, उनका कैसा महसूस हो रहा है। तो नमस्कार जी राकेश खाद्यान जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, तो आपको भी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं मेरे जेल विभाग का, विशेषकर जो भिवानी जेल प्रशासन स्टाफ ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए सदा आभारी रहूँगा। बिल्कुल। और कोशिश करूँगा ज़िंदगी में मैं अपने विभाग का, अपने साथी कर्मचारियों का भविष्य में नाम ऊँचा करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आपने जो उपलब्धि हासिल की है माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट लोत्से जो कि दुनिया की सबसे चौथी ऊंची चोटी है, इतनी ड्यूटी करते हुए आपने जो उपलब्धि हासिल की है, किस तरीके से मतलब आपने उपलब्धि हासिल की? देखो जी, ऐसा है, ड्यूटी करना, परिवार को पालना, ये हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। और अगर हम उस सबसे बाहर निकल के मेहनत करेंगे, कोई भी बच्चा व्यक्ति, उम्र तो एक सिर्फ नंबरिंग है, अगर हमारी सोच दृढ़ इच्छा शक्ति अच्छी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। जो अपना जेल प्रशासन है भिवानी जेल की तरफ से जो आज सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, कितने दिन से तैयारी चल रही थी सम्मान समारोह की? जब मैं आ नहीं पाया, थोड़ा शरीर में रिकवरी नहीं हो पाई थी, काफ़ी समय से स्टाफ अधिकारीगण बहुत बार मैसेज गया, मैं इसके लिए इन सभी अधिकारियों और साथी कर्मचारियों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से अभी भी सभी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज हाजिर हुआ। बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भिवानी जेल की तरफ से आपका जो सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जितने भी अपने साथीगण हैं, कर्मचारी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, उनके बारे में एक बार दो शब्द कह दीजिए। मैं सभी का, बहुत साथी कर्मचारी जो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो मेरे साथी हैं, जो छोटे हैं, उनको बोलता हूँ कि वो भी कुछ अपने गांव, अपने परिवार, अपने विभाग, उनका नाम रोशन कर लिए, कुछ ना कुछ गेम ज़रूर करें। बिल्कुल। और सभी से एक निवेदन करूंगा, आपके श्रोताओं से भी और अपने विभाग के कर्मचारियों से भी, कोशिश करें नशे से ज़्यादा दूर रहें। बिल्कुल। और अब की बार देखा हुआ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ लगाएं। बिल्कुल। और जितना टाइम निकले तो पेड़ों को पानी वगैरह दें, उनको संभाल करें। यानी कि पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी परवरिश संभाल करना जरूरी है। अगर जितना भी समय मिले, अगर हम एक पेड़ को अभी वो करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा वातावरण में। बिल्कुल। तो राकेश खाद्यान जी, ये तो ये मान के चलो आपके अतुलनीय विचार हैं कि भी आप वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण की जो भयंकर समस्या है उसके बारे में भी आप मतलब अपना मैसेज साझा कर रहे हो, तो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो, क्योंकि जो नेक विचार होते हैं ना वो अपने अंदर से ही होते हैं, क्योंकि भाई उपलब्धि हासिल करने के बाद बाद तो ये मान के चलो भाई अलग ही तरीके का मतलब भाव उठता है कि भाई अहम की भावना आ जाती है, लेकिन उस तरीके का जो आप में जो अहम की जो भावना है वो कभी भी देखने को नहीं मिली, तो उसके बारे में बताइए। मेरे विचार है जिस इंसान में अहम आ जाता है वो दुनिया में ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। कोई नहीं पूछता उसको, इंसान है, इंसान से गलतियां भी होती हैं, लेकिन उसको सुधारें इंसान उसी को बोलते हैं। सही बात है। और मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और अपने साथी कर्मचारियों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूं। बिल्कुल। लगातार 20 साल सर्विस में रहते हुए और लगभग मैं अभी 30 अक्टूबर को 46 साल की उम्र का हो जाऊंगा। बिल्कुल। इतनी उम्र में किसी भी राज्य सरकार के या केंद्रीय सरकार के कर्मचारी ने ये उपलब्धि हासिल नहीं की है, तो इन सभी भाइयों का छोटा भाई साथी हूँ मैं, तो इनको ये शुभ सूचना देना चाहता हूँ। सबसे जरूरी बात तो यही है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी के चेहरे पे लग रहा है कि भाई बड़ी अपार खुशी का अनुभव हो रहा है कि अपने जेल प्रशासन के अपने जो साथी सहयोगी हैं उन्होंने इतनी बढ़िया उपलब्धि हासिल की है, तो उसके लिए तो ये मान के चलो भाई अपार खुशी का अनुभव तो हो ही रहा है। मैं हरियाणा सरकार का हर एक विभाग और हर एक राज्य सरकार, किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी ने इतनी उम्र और इतने 20 साल लगातार सर्विस करते हुए ये उपलब्धि, जो दुनिया की पहली ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट और जो दुनिया की चौथी ऊंची चोटी है माउंट लोत्से, दोनों पे एक साथ भारतीय तिरंगा नहीं फहराया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत ही बढ़िया अपने दोस्तों का आशीर्वाद, अपने अधिकारियों का मार्गदर्शन, और बहुत ताकत मिलती है इनके मार्गदर्शन मिलते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पोस्टिंग था 2022 तक, तो अब लगभग मैं 2 साल के बाद ही भाइयों से मिल रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब मैं ये बात अपने शब्दों में नहीं बोल सकता कि मेरे को कितनी खुशी हो रही। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया साहब। ये मान के जब ये मान के चलो जो खुशी का अनुभव होता है अंदर से अनुभूति मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि जितने भी साथी कर्मचारी होते हैं वो दिल से दुआ देते हैं ताकि आगे जितने भी हमारे मिशन हैं उनको आगे पूरा करने की प्रेरणा मिलती है इससे। बहुत ही बढ़िया। मैं सभी अपने साथी कर्मचारियों, अपने हरियाणा के वासियों, देशवासियों को एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी एक कैलेंडर यानी कि 2024 में अपने जो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं सभी की 7 चोटियों को फतेह करने का अभी मेरा टारगेट चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो 2024 में तो ये भी हमारे जेल विभाग के नाम अलग ही उपलब्धि होगी। बहुत ही बढ़िया। देखो प्रशासन की तरफ से तो ये मान के चलो भाई अपनी अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे जेल प्रशासन के कोई भी कर्मचारी है कोई भी किसी खेल में या स्पोर्ट्स में या किसी पर्वतारोहण में अलग अलग उपलब्धि हासिल करते हैं तो उनका रुतबा तो बढ़ता ही है, तो उसके लिए मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका जो नेक्स्ट जो आपका इवेंट्स है उसके लिए जो आप रूस की तैयारी बता रहे थे मेरे को कि मैं अभी अगस्त में एक ही बार में यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है रूस में, उस पर फतेह करूँगा।
कोशिश करूँगा। और अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो मैंने 15 अगस्त 2019 को फतेह मात्र 15 घंटे 53 मिनट में फतेह करके अपने विभाग अपने साथियों का नाम रोशन किया है। और तीसरी चोटी अमेरिका की माउंट देनाली, तीनों को एक साथ फतेह करने की कोशिश है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। तो एक बार जो जितने भी साथी हैं उनसे बात करेंगे कि आपकी जो आपने जो उपलब्धि हासिल करी है उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार जी, तो अपने जो राकेश कादयान सर हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया। अब आने वाले टाइम में सभी मुलाजिम ऐसा करना चाहते हैं, कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो जेड प्रशासन का इसमें कितना क्या रुतबा बढ़ा उसके बारे में बताइए। बहुत ज्यादा बढ़िया जी। तो कितनी खुशी का अनुभव रहा? बहुत खुशी, खुशी है, खुशी हमारे को। बहुत ही बढ़िया। हमारा सदस्य जो मुलाजिम ऐसे है, ऐसे मुलाजिम होते रहे, ठीक है, धन्यवाद। तो नमस्कार जी, तो एक बार इतने भी साथी हैं उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है? नसीब सिंह। नसीब सिंह जी, ये बताइए कि भाई जो अपने जो राकेश कादयान जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, इतनी क्या खुशी अनुभव रहा आपको? इन्हें बहुत अच्छा किया है, सभी मुलाजिम ऐसे करना चाहे तो बहुत अच्छा हुआ है। आगे आने वाले बच्चे भी अपना कामयाब हो। बहुत ही बढ़िया। तो इंद्रदेव जी भी मेहरबान हो गए कि भाई आते ही मान के चलो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी जेल प्रशासन के जितने भी कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी साथी कर्मचारी हैं, बड़ी खुशी का अनुभव उनको हो रहा है कि भाई एक साथ जो इंद्रदेव जी हैं वो भी मेहरबान हो गए आज कि भाई इतनी गर्मी से ये मान के चलो सभी कुछ परेशान हो चुके थे, क्योंकि पशु पक्षी सब कुछ। तो एक बार जो अपने जेल प्रशासन के जो साथी हैं प्रधान जी, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, जो अपने राकेश कादयान जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, और जो दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है, और जो दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट से, दोनों को एक साथ फतेह किया है, क्या कहना चाहेंगे? दिल की गहराइयों से बहुत ही खुश हूँ मैं। और बड़ी अच्छी काम किया है, ऐसा अच्छा काम इतनी 20 साल की जॉब करने के बाद आदमी से होता नहीं है, जो इन्होंने किया है। बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने भी पूरा सहयोग दिया और हम सब का पूरा सहयोग रहा है। ये हमारे पास यहीं थे पहले, ये 19 में जब गए तब भी हमारे पास थे। बहुत मेहनती और बहुत ही बढ़िया, जितनी उतना अच्छा है।